ताकत है और इंसान उस ताकत का फायदा उठाता है। तुम्हें हुनरमंद और फुर्तीला होना पड़ेगा और उससे भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा। और तुम्हें चुटकियों में छोटा और बड़ा बनना आना चाहिए, यानी तुम्हारा साइज हमेशा तुम्हारी जरूरत के हिसाब से होगा। अब चाबी के छेद से बाहर आओ, तेजी से बढ़ो और छोटे बनकर कूदो, फिर बड़े बनकर सामने आओ। टाइम वेस्ट। जब तुम छोटे होते हो तब ऊर्जा कंप्रेस्ड होती है। तुम्हारी छोटी सी मुट्ठी में 100 किलो के इंसान जितनी ताकत होती है। तुम बुलेट की तरह होते हो। मुक्का जोर से मारा तो जान ले लेता है, धीरे मारा तो प्यार की धमकी। तुम्हें बस मुक्का मारना आना चाहिए। मैं 3 साल जेल में था, मुक्का मारना आता है मुझे। दिखाओ मुझे। बहुत खराब। तुम सिखाओगे मुक्का मारना? चलो ऐसे मारते हैं मुक्का। इसे इसी मौके का इंतजार था। हाँ लग रहा। बुरे दिनों में होप ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। बुरे दिनों से इनका मतलब जब मेरी माँ गुजर गई थी। उनकी मौत हवाई दुर्घटना में हुई थी। आप मुझे उनकी मौत की वजह कभी नहीं बताते, कम से कम झूठ तो मत बोलिए। हमें बहुत काम है। बहुत टाइम पास हो गया, अब कुछ काम कर ले। तुम हाथ पर मारने वाली थी ना? लगता है इस रेगुलेटर की वजह से टाइम ज्यादा। उस रेगुलेटर को मत छेड़ना। अगर वो रेगुलेटर खराब हो गया तो तुम सब एटॉमिक हो जाओगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम क्वांटम दायरे में चले जाओगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम एक ऐसी स्थिति में चले जाओगे जहां तुम्हारे हमेशा के लिए छोटा बन जाने के बाद समय और अंतराल मायने नहीं रखते। जो भी तुम जानते हो और चाहते हो सबको खो दोगे। कूल, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। तुमने सूट के बारे में तो सीख लिया, पर तुम्हें अभी अपने अहम साथियों के बारे में सीखना है। चींटियां, वफादार, बहादुर और इस काम में तुम्हारी पार्टनर। पैराचिकाइना लॉन्जिकॉर्निस, इन्हें क्रेजी चींटियां कहते हैं। वो बिजली की तरह तेज होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी संचालन करती हैं, जिससे वो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बर्बाद कर सकती हैं। नहीं, ये इतनी डरावनी भी नहीं है। hey! तू कितनी क्यूट हो। hey! ये क्यूट सी चींटियां मेरी जान लेके रहेंगी। लगता है फ्यूचर्स लैब की अपनी खुद की अलग पावर सप्लाई है। वहाँ एक गार्ड 24 घंटे तैनात रहता है, तुम्हें उसे हटाकर सिक्योरिटी सिस्टम बंद करना होगा। चलो भाई, अब किसकी बारी है? पैरापनेरा क्लवाटा। जानता हूँ, बुलेट चींटियां है ना, जिनका काटा पानी नहीं मांगता। कैसे हो दोस्तों? याद है बेडरूम में मिला था? येलो जैकेट वाला कमरा एयरटाइट है और अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक ट्यूब से है जिसकी गोलाई अंदाजन 5 मिलीमीटर होगी। तुम मुझे बता रही हो कि डराने का काम कर रही है? ट्यूब एक लेजर ग्रिड से सुरक्षित है और उसकी पावर हम सिर्फ 15 सेकंड के लिए बंद कर सकते हैं। तो मैं उन क्रेजी चींटियों को संकेत देना होगा कि वो सर्वर उड़ा के सूट ले आए और पावर वापस आने से पहले उन्हें बाहर निकलना होगा। कैंपनोटस पेंसिल्वेनिकस, जिन्हें कार्पेंटर चींटी भी कहा जाता है, जमीनी और हवाई यातायात के लिए सबसे अच्छी। अरे ये तो वही है जिसने मुझे जेल से उड़ाया था। मैं इसे एंथनी बुलाऊंगा। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा नाम है। इस बार तुम्हें सीखना ही पड़ेगा कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। इन्हें चाय के कप में चीनी डालने को कहो। बच्ची को रोना आ रहा है। हैंक निशानेबाजी की प्रैक्टिस के लिए बुला रहे हैं। सूट में कोई हथियार नहीं है, इसलिए मैंने डिस्क बनाई है। रेड छोटा बनाती है, ब्लू बड़ा। सोलोनोप्सिस मैंडिबुलरिस, अपने डंक के लिए मशहूर। ये फायर चींटियां विकसित होकर कमाल की कारीगर बन गई हैं। हर मुश्किल जगह पर वो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। तुम ये कर सकते हो स्कॉट, कमाल। ये मेरी बात नहीं सुन रही।